नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कई जुडिशरी एग्जाम तथा APO और JLO के एग्जाम तथा कई जुडिशरी एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, सभी जुडिशरी एग्जाम तथा APO सहित JLO LA सहित अन्य एग्जामों में भी दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न किस परिस्थिति में आरोप में अपेक्षित विशिष्टियों की गलतियों का प्रभाव तात्विक माना जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2016 में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है कि जब सह अभियुक्त की मृत्यु हो जाए, जब अभियुक्त उस गलती के बुलावे में पड़ जाए, जब कोई महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही हो जाए, जब अभियुक्त फरार घोषित किया जाए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नंबर दो, अर्थात जब अभियुक्त उस गलती से बुलावे में पड़ जाए तब आरोप में अपेक्षित विशिष्टियों की गलतियों का प्रभाव तात्विक माना जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से भोगी गई निरोध की किस अवधि को उस मामले में कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न भी राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2016 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम में भोगी गई निरोध की अवधि को उस मामले के अन्वेक्षण के व विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि को सदृश्य मामले के अन्वेक्षण एवं विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि को या उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नंबर दो कि उस मामले के अन्वेक्षण व विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि को धारा 428 CRPC के अंतर्गत उस मामले के कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राजमार्ग पर जा रहे किसी निजी वाहन के संबंध में यह संदेह कि इसमें मन प्रभावी औषधि लाई जा रही है की तलाशी ली जा सकती है। दोस्तों, यह प्रश्न राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2017 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है कि संबंधित पुलिस थाने में पद स्थापित मुख्य आरक्षी द्वारा, किसी अन्य जिले में पद स्थापित उप निरीक्षक द्वारा, पुलिस उप अधीक्षक अथवा संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा, जो उपरोक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों, यदि राजमार्ग पर जा रहे किसी निजी वाहन के संबंध में यह संदेह है कि उसमें मन प्रभावी औषधि ले जाई जा रही है तो उसकी तलाशी उपरोक्त सभी व्यक्ति कर सकते हैं। तो नंबर फोर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि न्यायालय अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने से पश्चात सहायक लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है, अभियुक्त को किया जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2016 में पूछा गया है। तो इसका आपके ऑप्शन है कि यदि ऐसा होता है, जब न्यायालय अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के पश्चात सहायक लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे देता है, तब अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है
यदि मामले की तथ्यों व परिस्थितियों से उसको समाधान हो जाता है कि फिल्म को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है, राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रसंज्ञान लेने हेतु निर्देश दिए गए हैं, एक या दो दोनों। तो दोस्तों जब न्यायालय न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तब न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात भी कर सकता है। यह प्रश्न राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि एक एसोसिएशन द्वारा मार्ग में एक व्यस्त संगम पर स्थापित एक विशाल पोस्टर या बैनर यातायात में व्यवधान पैदा कर रहा है, निम्न में से कौन सूचना प्राप्त होने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ कर ऐसे बैनर अथवा पोस्टर को हटा सकता है? आपके ऑप्शन है जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या जिलाधीश। तो दोस्तों का सही आंसर होगा उपखंड मजिस्ट्रेट। यह प्रश्न पूछा गया राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2013-14 में। अगला प्रश्न है मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितताएं जिसके लिए वह विधि द्वारा सशक्त नहीं है कार्रवाइयों को दूषित बनाती है? सीआरपीसी की धारा 397 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना, सीआरपीसी की धारा 190 की उपधारा 1 के खंड क और खे के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान लेना, अपील का निर्णय करना या सीआरपीसी की धारा 466 के अंतर्गत पारित आदेश का पुनरीक्षण करना? तो दोस्तों नंबर 2 जो है अर्थात सीआरपीसी की धारा 190 के उपधारा 1 के खंड ख के और ख के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान लेना, यह वह कार्रवाई है, वह अनियमितता है जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती, बाकी तीनों कार्रवाइयां कार्रवाई को दूषित करती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी की धारा 436 के एक अभियुक्त जिसके विरुद्ध अनुवीक्षा लंबित है जमानत स्वीकार करने का प्रावधान करती है, यदि वह अनुवीक्षणाधीन अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि का निरोध भोग चुका है तो वह जमानत स्वीकार करने का प्रावधान करती है? यह प्रश्न पूछा गया आरजेएस 2015 में। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 95 के अंतर्गत पुस्तक को संप्रहत करने की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत होगा, यह प्रश्न पूछा गया राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2016 में। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4 हाईकोर्ट के समक्ष। दोस्तों धारा 95 सीआरपीसी प्रावधान करती है कुछ प्रकाशनों के संप्रहत होने की घोषणा और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति, तो कुछ समाचार पत्र या पुस्तक या किसी अन्य दस्तावेज जो के लिए जो कहें मुद्रित है या राजद्रोहात्मक अश्लील या कोई अन्य प्रकाशन से संबंधित है तो उनकी तलाशी वारंट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी की धारा 304 प्रावधान करती है, यह प्रश्न राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2013-14 में पूछा गया था। तो सीआरपीसी की धारा 304 प्रावधान करती है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करवाए जाने के बारे में, अर्थात निशुल्क न्याय के बारे में जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं उन्हीं प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए यहां सीआरपीसी में धारा 304 जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करवाए जाने के प्रावधान किए गए हैं।
अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन कथन दर्ज किया जा सकता है? यह प्रश्न राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2013-14 में पूछा गया था। तो दोस्तों 164 के जो बयान हैं वह एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा लेखबद्ध किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता जिसके लिए वह विधि द्वारा सशक्त नहीं है कार्रवाई को दूषित बनाती है? ऐसी कौन सी अनियमितता है जो कार्रवाई को दूषित बनाती है? यह प्रश्न पूछा गया राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2015 में। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है कि सीआरपीसी की धारा 176 के तहत की गई जांच, सीआरपीसी की धारा 192 के उपधारा 2 के अधीन मामले को हवाला करना, सीआरपीसी की धारा 190 के उपधारा 1 के खंड ग के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नंबर 3 कि सीआरपीसी की धारा 190 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान करना एक ऐसी अनियमितता है जो विधि द्वारा सशक्त नहीं होने के बावजूद की जाती है तो कार्रवाई को दूषित बनाती है। अगला प्रश्न है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित एक मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह सीआरपीसी की किस धारा के अधीन वह मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा? तो दोस्तों यह प्रश्न एपीओ एग्जाम आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 अर्थात धारा 209 के अंतर्गत वह सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा। यदि मामला ऐसा है कि वह अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है तो इस धारा 209 के तहत वह सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी की किस धारा के अधीन धारा 125 के अधीन भरण पोषण भत्ते के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत है? यह प्रश्न पूछा गया आरपीएससी द्वारा एपीओ के एग्जाम 2015 के अंतर्गत। तो धारा 2126 के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के भत्ते के लिए आवेदन पर कार्रवाई के बारे में न्यायालय को वह शक्ति है कि वह खर्चों के बारे में ऐसे आदेश दे जो कि न्याय संगत है। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की धारा 82 व 83 के अनुसार निम्न में से कौन सा विधि द्वारा सही वक्तव्य है? यह प्रश्न पूछा गया राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2015 में। तो आपके ऑप्शन है, न्यायालय किसी अभियुक्त को धारा 82 के अंतर्गत फरार घोषित करने से पूर्व उसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे सकता है। न्यायालय किसी अभियुक्त को धारा 82 के अंतर्गत अपने सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति को कुर्क का आदेश दे सकता है। न्यायालय किसी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क का आदेश दे सकता है भले ही उसे फरार अभियुक्त घोषित किया गया हो या नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि न्यायालय किसी अभियुक्त को धारा 82 के अंतर्गत अपने सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति को कुर्की का आदेश दे सकता है। धारा 82 और 83 के प्रावधान यह व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, अभियुक्त का बयान शपथ पर लिया जा सकता है? यह प्रश्न पूछा गया राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2015 में। तो सीआरपीसी की धारा 315 ये प्रावधान करती है कि
अभियुक्त का बयान शपथ पर लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही वक्तव्य है। पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से भी गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के आवश्यक समय का अपवर्जन करते हुए बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा 24 घंटे से अधिक की नहीं हो सकती। पुलिस अधिकारी द्वारा जमानती अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी बंधपत्र और जमानत के उन्मोचित किया जाएगा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह प्रश्न राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2016 में पूछा गया, जिसका सही आंसर होगा कि नंबर वन, उपरोक्त चारों कथनों में से नंबर वन कथन सही है, अर्थात पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मामले में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है, उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार अपराध के लिए उसका परिवाद किया गया है, उस अपराध के लिए जिसका उसका परिवाद किया गया है उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्षियों की यदि कोई हो उसकी अनुपस्थिति में भी परीक्षा कर सकता है। दोस्तों यह प्रश्न एपीओ एग्जाम आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया, जिसका सही आंसर होगा धारा 299 में ये प्रावधान दिए गए हैं कि जब अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है तो उसकी अनुपस्थिति में भी साक्षियों के बयान करवाए जा सकते हैं, उनकी परीक्षा करवाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी की धारा 98 के अनुसार एक अपहृत बालिका को उसके विधिपूर्ण भार साधक को वापस कर दिए जाने हेतु शपथ पर परिवाद किसे प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रश्न राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2013-14 में पूछा गया, जिसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को आवेदन किया जा सकता है परिवाद पर। सीआरपीसी की धारा 145 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई में से किसकी रिपोर्ट पर प्रारंभ की जाती है। तो यह प्रश्न राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2015 में पूछा गया है, जिसका सही आंसर होगा नंबर दो कि पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर धारा 145 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या हम इस वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करें। यदि आपके द्वारा कमेंट मिलते हैं तो हम इस प्रकार की और भी अधिक वीडियो लाने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, आपके द्वारा लाइक किए जाने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम और अधिक ऐसे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।